हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस पॉजिटिव परिवार में। कैसे हो आप सब? सैनिक स्कूल से आई हुई काउंसलर वैकेंसी डिटेल आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वेरियस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है। फर्स्ट वैकेंसी है LDS के लिए, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। नेक्स्ट वैकेंसी है बैंड मास्टर के लिए, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। उसके बाद है PM PTI की वैकेंसी, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। और फ्रेंड उसके बाद देखो काउंसलर की वैकेंसी आई है, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। ऑन रिजल्ट कैंडिडेट के लिए है, टोटल 1 वैकेंसी है। ऑल कैटेगरी के स्टूडेंट फ्रेंड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी को अप्लाई करते वक्त आपकी एज 21 से 35 ईयर के बिटवीन होनी चाहिए। और ये एज कैसे कैलकुलेट करनी है, 1 अगस्त 2022 तक आपकी एज 21 से 35 ईयर के बिटवीन होनी चाहिए। इस वैकेंसी को अप्लाई करते वक्त आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो फ्रेंड आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए साइकोलॉजी में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए साइकोलॉजी में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट और ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और फ्रेंड एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पे क्या बताया, एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग करियर एजुकेशन काउंसलिंग टू स्टूडेंट इन अ रेपुटेड स्कूल। तो फ्रेंड आपको स्कूल में काउंसलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और क्या बताया, रजिस्ट्रेशन विद रिहैबिलिटेशन काउंसिल काउंसिल ऑफ इंडिया एज अ वोकेशनल काउंसलर। थर्ड बताया, इंटरेस्टेड इन अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड एप्टीट्यूड ऑफ रेसिडेंटल स्कूल लाइफ स्टाइल, द कैंडिडेट शुड बी फिजिकली फिट। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है TGT इंग्लिश की है और रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है फ्रेंड ये। टोटल वैकेंसी 1 है और ये वैकेंसी SC कैटेगरी के लिए। अभी बात करते फ्रेंड इस वैकेंसी को अप्लाई कैसे करना है। फ्रेंड अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, ये एप्लीकेशन फॉर्म फ्रेंड आपको फिल करना है। इसके साथ क्या बताया है, ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट एंड 1 सेल्फ अटेस्टेड एनवेलप विद पैकेज स्टैम्प ₹40। फ्रेंड आपके पास जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब आपको स्पीड पोस्ट से सेंड कर देना है। उसके साथ आपको स्टैम्प लगाना है एनवेलप में ₹40 का। तो कहाँ पर सेंड करना है, तो यहाँ पे बताया प्रिंसिपल ऑफ सैनिक स्कूल बीजापुर कर्नाटका। तो फ्रेंड ये वैकेंसी कहाँ से आई है, सैनिक स्कूल बीजापुर कर्नाटका स्टेट से आई है। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फ्रेंड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड इसी के साथ यहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट भरना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट की फीस कितनी है, ₹500 है, नॉन रिफंडेबल है। इनसे नाम से बनाना, इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल बीजापुर, इस नाम से फ्रेंड आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू रिटर्न टेस्ट कब होगा ये बताया जाएगा। और फ्रेंड यहाँ पे देखो 6 नंबर का पॉइंट यहाँ पे बताया कि डॉक्यूमेंट के साथ, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। तो यहाँ पता है डिमांड ड्राफ्ट ₹500 का आपको अटैच करना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटैच करने पड़ेंगे, सेल्फ अटेस्टेड एनवेलप विद स्टैम्प ₹40, कॉपीज ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट इन केस एप्लीकेंट SC ST OBC कैटेगरी, द एप्लीकेंट इज टू अटैच अ कॉपी ऑफ कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय कंसर्न अथॉरिटी। तो फ्रेंड अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। फ्रेंड एडवर्टाइजमेंट 27 अक्टूबर को रिलीज हुआ है, तो वहाँ से 21 डेज मतलब 18 to 19 नवंबर तक आपको स्पीड पोस्ट से सेंड कर देना है। बाकी इस एडवर्टाइजमेंट की PDF मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। फ्रेंड आप फॉर्म फिल करने से पहले एक बार अच्छे से पढ़ लेना। बस फ्रेंड इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर watching.